स्वागत है गैस आपका मेरे चैनल टेक्सचर टू में। तो गैस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप यहां पर मीशो के अंदर कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं और यहां पर रिटर्न करने की कोशिश करते हैं आप या फिर एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा बोलता है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम आपको क्यों दिखाई देती है बताऊँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट एंड तक देखिए। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको बोलता है रिटर्न एक्सचेंज नॉट अवेलेबल, सॉरी यू कैन नॉट रिटर्न और एक्सचेंज दिस आइटम एज इट वॉज डिलीवर्ड मोर देन 7 days अगो। इन केस ऑफ एनी कंसर्न प्लीज चेक आउट टू अस फ्रॉम द हेल्प सेक्शन ऑन द ऐप। और आपको ओके का ऑप्शन आ जाता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर रिटर्न नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि जो उसकी डेट होती है वो चली जाती है गाइस। तो जब भी आप प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसके 7 दिन के अंदर आपको रिटर्न या फिर एक्सचेंज करना पड़ता है। अगर 7 दिन हो जाते हैं तब आप रिटर्न एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो यही टर्म एंड कंडीशन होती है सभी की, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर यही टर्म एंड कंडीशन होती है। तो 7 दिन के अंदर आपको यहाँ पर सभी चेक कर लेना होगा, प्रोडक्ट सही है या नहीं है वो आपको सभी देख लेना है। इसके बाद ही यहाँ पर आपको रिटर्न एक्सचेंज करना होगा, तभी रिटर्न एक्सचेंज होगा। अगर 7 दिन हो जाते हैं तो आप एक्सचेंज रिटर्न नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू वेरी मच।